महाराष्ट्र में प्याज की कीमतों में सुधार होता फिलहाल दिखाई नहीं दिया है। लगातार 7 महीने से प्याज का दाम गिरता जा रहा है। इस साल प्याज उत्पादकों के लिए संकट भरा रहा। हालांकि बीच में प्याज के दामों में थोड़ी तेजी आई थी, लेकिन उसका भी सभी किसानों को लाभ नहीं हुआ। किसानों को लगा था कि शायद आगे कीमतों में बदलाव होगा, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वर्तमान में कई मंडियों में किसानों को प्याज का सिर्फ 100 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति क्विंटल ही रेट मिल रहा है। वहीं नासिक जिले के में रहने वाले किसानों का कहना है कि गर्मी में प्याज का अब तक का उचित दाम नहीं मिला है। ऐसे में नए साल नए लाल प्याज के दाम में भी हम क्या उम्मीद करें। किसानों ने कहा है कि वो अभी भी प्याज का स्टोरेज किए हुए हैं, इस उम्मीद पर कि जब कीमतों में अच्छा सुधार होगा तब उसे बेचेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर लंबे समय से स्टॉक किया हुआ प्याज भी सड़ रहा है और लगभग 50% प्याज सड़ चुका है। ऐसे में किसानों को डबल नुकसान हो रहा है। उधर महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिगोले का कहना है कि इस साल प्याज उत्पादकों को घाटा ही हुआ है। ऐसे में अब ज्यादातर किसान लाल प्याज की खेती नहीं कर रहे हैं। दिगोले का कहना है कि अभी कई मंडियों में प्याज का दाम 100 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है। मंडियों में प्याज की आवक कम होने के बावजूद किसानों को सही दाम नहीं मिल रहा, किसान लागत नहीं निकाल पा रहे। ऐसे में राज्य में बहुत से किसानों के पास प्याज का स्टॉक है, मजबूरन थोड़ा थोड़ा कर कम कीमतों पर वो बेचने के लिए मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।